हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट पर। दोस्तों आज हम जानेंगे गाय से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। जिस जगह गौ माता खुशी से रंभाने लगे उस जगह देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के खुर में नाग देवता का वास होता है। जहां गौ माता विचरण करती है उस जगह सांप बिच्छू नहीं आते। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता की एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। किसी व्यक्ति को बुरी नज़र हो जाए या लग जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नज़र उतर जाती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नारी होती है। रोजाना सुबह आधा घंटा गौ माता की कुबड़ में हाथ फेरने से रोगों का नाश हो जाता है। एक गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता के दूध घी मक्खन दही गोबर गौमूत्र से बने पंचगव्य हजारों लोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई होती है तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गौ माता के चारों चरणों के बीच से निकलकर एक परिक्रमा करने से इंसान भयमुक्त हो जाता है। गौ माता के गर्भ से ही महान विद्वान धर्म रक्षक गौकर्ण जी महाराज पैदा हुए थे। गौ माता की ही सेवा के लिए इस धरा पर देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं। जब गौ माता बछड़े को जन्म देती है तब पहला दूध बांझ स्त्री को पिलाने से उनका बांझपन मिट जाता है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र को रोजाना 2 तोला 7 पट कपड़े में छान कर सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उन पर गौ कृपा हो जाती है। काली गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। जो ध्यान पूर्वक धर्म के साथ गौ पूजा करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। गाय एक चलता फिरता मंदिर है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। हम रोजाना 33 कोटि देवी देवताओं के मंदिर जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर गौ माता के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में कहिए, रुका हुआ काम बन जाएगा। गौ माता सभी सुखों की दाता है। हे गौ माता, आप अनंत हैं, आपके गुण अनंत हैं। इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके गुणों का बखान कर सकूं। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार की अधिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।